बाबा का देखें तो चमत्कार करते हैं सर, बाबा लोग को मरना चाहिए अपने चमत्कार करते हैं तो कर दो ना गरीबी खत्म, चमत्कार करते हैं तो कर दो पैसा का डिसेंट्रलाइजेशन करा दो, अस्पताल जाना नहीं पड़े, चमत्कार करते हो तो किडनी रिप्लेस कर दो, हम भेजते हैं उस बाबा के पास एक किडनी बदलने वाले को, डेली हम ऐसे लोगों को बदलते हैं भेजते हैं। गिरिराज सिंह कल मुजफ्फरपुर पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है, करबला वाले बयान। सर गिरिराज सिंह टाइप के लोगों की चर्चा, गिरिराज है ये लोग हैं राजद के नेता है ये लोग, चुड़कुट है छिछोड़ा है छुछुंदर टाइप से बात करते हैं, चुड़कट चुड़कुट छिछोड़ा छिछुंदर, इन लोगों को कोई पूछता नहीं, औकात है तो गिरिराज को बोलिए मदद करने की, ये राजद के जो नेता है उसको बोलिए मदद करने की, औकात है तो बोलिए इलाज कराने की, औकात है तो अभी मर्डर हुआ है एक सोनार का जाके बोलिए अपराधी के खिलाफ बात करने में घुस रहे में, अपनी कोई औकात नहीं, इन्हीं लोग के चलते है आज ऐसी चीजें बढ़ी है। गिरिराज हो या जितने नेता इस टाइप के हो, इन नेताओं से समाज को बचना चाहिए और ऐसे लोगों को कानून एक बनना चाहिए कि जो लोग किसी को गाली डायरेक्ट देते हैं जाति हो या धर्म मजहब हो या भगवान आस्था पर, ऐसे लोगों को सभी तरह से वंचित करो, चुनाव लड़ने से रोको और सरकारी सुविधा से दूर करो। अच्छा क्या लगता है पप्पू जी, बिहार में अमित शाह फिर आ रहे हैं, कुछ खेला होने वाला है? अरे अमित शाह को क्या खेला करेंगे, पहले आप उसका कर्नाटक मध्य प्रदेश नहीं देख रहे, हमेशा खेला बेला मेला में दूर रहते हैं, बिहार में फिर आ रहे हैं, उनके आने जाने से हो, सबको अधिकार आने जाने का, आप लोग अमित शाह आ रहे हैं तो आने जाने में क्या उनको रोक दिया जाए? उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकी भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, सब कोई इधर से उधर तो करता ही जाता है, किसी के आने जाने से विचारधारा पे चेंज पड़ता है, पूरा कांग्रेस ही बीजेपी में चला गया, तो आज राहुल गांधी जी उत्तर से पश्चिम 3,500 किलोमीटर चल के लाखों लाख लोगों को संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा कांग्रेस ही चला गया बीजेपी में तो क्या हो जाएगा, सब लौट जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उपेंद्र भाई या कोई भाई सबको, यही कारण है ना कि आज बिहार की दुर्गति हो गई, भाई पेशेंस नहीं है, सत्ता में जाने के लिए मंत्री बनने के लिए सब बाप बाप करता है, विचारधारा की कोई बात तो है नहीं। जेडीयू में टूट हो सकती है क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।